morning, dear students, dear students, we are doing chapter 12, conquering distances. and in this chapter, we read that people travel from one place to another for different reasons. many people visit their family members to get together, to celebrate different festivals like diwali, holy christmas, eid, chat, etc. and some people move to another city or country for the better job, education, and businesses. but traveling depend upon the time and money that they want to spend and uh, we have also read that in the ancient time man had to walk on foot he had to move from one place to another in search of food and shelter if he had to cross a water body he used a canoe i mean dugout or a reed boat he had to carry his loads either on his head or his on his back

व्हील से रिलेटेड है यू कैन सी व्हील्स एवरीवेयर रिक्शास बाइसिकल्स, स्केट्स ट्रेन, प्लेन्स, मशीन्स, फैक्ट्री और फार्म इक्विपमेंट so आप कहाँ देख सकते हैं व्हील्स को हर जगह पर देख सकते हैं ठीक है रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है आपने देखा होगा उसमें क्या है व्हील्स लगे होते हैं बाइसिकल में व्हील लगे होते हैं जो स्केट्स आप चलाते हैं उसमें व्हील्स होते हैं कार्स में व्हील होते हैं ट्रेन जो है विदाउट व्हील चल ही नहीं सकती है ठीक है प्लेन्स भी नहीं चल सकते हैं वहाँ उसमें भी व्हील होते हैं मशीन्स में व्हील्स होते हैं फैक्ट्री में भी होते हैं और फार्म इक्विपमेंट्स में भी व्हील्स होते हैं ठीक है जो फार्मिंग में यूज किए जाते हैं इक्विपमेंट्स है ना और उनमें भी क्या होते हैं व्हील्स तो आप देखेंगे कि व्हील्स जो है चारों तरफ है हर जगह आपको व्हील देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं द व्हील हैज चेंज फ्रॉम राउंड ब्लॉक ऑफ वुड टू रबर टायर तो व्हील जो है कैसे चेंज हो गया स्टार्टिंग में व्हील किससे बना था वो बना था राउंड ब्लॉक ऑफ वुड से जो लकड़ी है उसकी जो ब्लॉक था उसको जो राउंड शेप थी उससे वो बना था काट कर ठीक है लॉग था उसको काटा गया तो फिर उसको बनाया गया व्हील किसका बना था वुड का बट अब क्या हुआ वो रबर टायर में अब अगर आप देखते होंगे तो आपको लकड़ी के जो है वुड के व्हील्स तो नहीं दिखते अब आप जितनी भी चाहे कार है बाईसाइकल है उसमें किसके लगे होते हैं रबर के बने हुए एयर एयरफील्ड ट्यूब और उनके अंदर क्या होता है जो टायर्स है उनके अंदर ट्यूब्स लगी होती है जिसके अंदर क्या होती है हवा भरी हुई होती है ठीक है मैनी टायर्स आर ट्यूबलेस और बहुत से ऐसे टायर्स भी हैं जिनमें ट्यूब नहीं होती है ट्यूब नहीं, नहीं होती है और ट्यूबलेस होते हैं कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट व्हील्स टूडे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी आज की लाइफ बिना व्हील्स के नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है ट्रैवल करना है वन प्लेस टू अनदर तो हमें कार की ज़रूरत पड़ती है बस की जरूरत पड़ती है ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है अगर उनमें व्हील्स ही नहीं होंगे या बस आप सोचे नहीं ट्रेन सॉरी एर, एरोप्लेन की बात कर रहे हैं तो उसको भी उड़ाने के से पहले जो है वो व्हील यूज़ होता है ठीक है तो, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उसकी लाइफ बिना विदाउट व्हील तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ जो है व्हील के बिना इमेजिन कर सकें तो जो सबसे पुराना व्हील है कहाँ पर मिला है मैसोपोटामिया में और वो कितना पुराना है फिफ्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड द पिक्चर्स बिलो शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हील जी पिक्चर्स दी गई हैं वो दिखा रही हैं व्हील्स के बारे में कैसे डेवलप हुआ सबसे पहले मैंने क्या कहता जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या था लॉक का यूज़ किया था एज ए व्हील ठीक है फिर उसको थोड़ी सी शेप देने की कोशिश की फिर भी वो अनिवन रहा फिर देन उन्होंने उसे थोड़ा सा राउंड दिया ठीक है फिर चेंज थोड़ी और उसका जो शेप है चेंज हुई लास्ट में क्या है बिल्कुल राउंडेड व्हील जो है बना और आजकल क्या है जैसे मैंने कल आपको पिक्चर्स में दिखाया था डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील है वुड से पहले वुड के व्हील्स यूज होते थे अब किसके यूज़ होते हैं रबर के और उनके अंदर क्या होती है ट्यूब्स होती है जिसमें क्या होती है एयर एयरफीड होती है ठीक है ना यू कैन सी यूज़ ऑफ व्हील और व्हील का यूज़ अर्ली मैन कैसे करता था ऐसे हमने पढ़ा ही है टू कैरी हैवी लोड्स इतना भी हैवी लोड्स था उसको कैरी करने के लिए पिक्चर दिखाई कि पहले उन्होंने लॉग ऐसे राउंडेड शेप नहीं थे लॉग्स थे उनको यूज किया लोड कैरी करने के लिए फिर थोड़ा सा उसको और शेप दी ये उसमें अब लॉग्स के बीच में होल नहीं था तो उन्होंने थोड़ा होल किया ठीक है उसके बाद सामान को कैरी किया तो चेंजेस आते रहे डिफरेंट चेंजेस आते रहे व्हील्स में भी उसके शेप्स में भी Do you know? Besides being used in the means of transport, wheels also played an important role in other fields like spinning wheels in producing cotton textile, water. व्हील्स इन ड्राॅइंग वाटर फ्राम वेल्स स्टेयरिंग व्हील्स इन व्हीकल्स एंड ग्राइंडिंग व्हील्स फ्राम मेकिंग फ्लोर फ्राम ग्रेन तो ये बोल रहे हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ भी व्हील्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अदर फील्ड्स में फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग व्हील्स स्पिनिंग व्हील्स किसके काम आता है प्रोड्यूस करने के कॉटन टेक्सटाइल ओके वाटर व्हील्स का यूज से कहाँ करते हैं वेल well से पानी बाहर निकालने के लिए ठीक है और जो स्ट्रेरिंग व्हील्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको व्हीकल्स में ड्राइव करने के लिए ठीक है ड्राइविंग सीट पर होते हैं जिससे कि आप टर्न करते हैं एंड ग्राइंडिंग व्हील्स फ्रॉम मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन्स और जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उनका क्या यूज होता है ग्रेन्स को फ्लोर में चेंज करना ठीक है तो डियर स्टूडेंट नाउ आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स सो डियर स्टूडेंट यू कैन सी दिक्चर ऑफ राउंड ब्लॉक ऑफ वुड व्हील Another picture of wood wheels. Now I'm going to show you the picture of rubber tires with the air filled tubes. This is the picture of rubber tires with the air filled tubes. You can see these type of wheels in rickshaws, bicycles, cars, plane, etc.

स्ट्रिंग व्हील्स स्ट्रिंग इन व्हीकल्स तो आपने देखा ही होगा आपकी गाड़ी में के पास भी है कार्स में ये स्ट्रिंग व्हील्स लगे होते हैं ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स फ्रॉम मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रीन्स So dear student, in this module we have discussed that the wheel has changed from round block of wood to the rubber tires with air-filled tubes. Many tires are tubeless, and uh, wheels also played an important role in other fields like spinning wheels in producing cotton textile and water wheels in drawing water from the wells and steering wheels in the vehicles and grinding wheels for making flour from grain. So there is one activity for you. You have to do. पिक्चर्स बनानी है ये ड्रा करनी है डिफरेंट पिक्चर्स बिलो शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हील तो आपको ये जो पिक्चर्स हैं जो डेवलपमेंट हुई है व्हील्स की डिफरेंट स्टेजेस पर उसके आपको पिक्चर बनानी है अपनी असिस्टेंट नोटबुक में सो दैट्स ऑल फॉर द डेट ट वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन थैंक यू हैव ए नाइस डे